दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नया जहान पैदा कर। तू इंकलाब की आमद न कर, तू इंकलाब का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इंकलाब पैदा कर। आई कैन डू दिस पॉलिटिकल एटीट्यूड, मैं नया नया लीडर बनाऊं, मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। आई कैन सॉल्व द ऑल रिलीजियस प्रॉब्लम्स, आई कैन सॉल्व द ऑल फैमिली प्रॉब्लम्स, आई कैन सॉल्व द ऑल सोशल प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व द टोटल पॉलिटिकल प्रॉब्लम एवरी डे। मुझसे नहीं होता था पहले, लेकिन अब करना चाहता हूँ। अब इस कुर्सी पर आ गया हूँ, राजनीतिक कुर्सी पर आ गया हूँ, अब मुझे मिनिस्टर बना दिया गया है। अब मैं एक टीचर था, अब मिनिस्टर बन गया हूँ। पहले मैं एक भंगार बेचा करता था, लेकिन अब मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। पहले मैं एक जर्नलिस्ट था, लेकिन अब मैं एक मिनिस्टर बन गया हूँ। तो हाउ कैन आई डिड, इंकलाब की आमद नहीं करना है मुझे। अब किसी के कहने से कोई काम को क्रिएट नहीं करना है, बल्कि खुद सोचना है, खुद करना है। व्हाट कैन आई पॉसिबिलिटीज, मुझे औरंगाबाद के बिड़किन में एक डैम बनाना है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ। मुझे बुल्ढाना जिले में कि पहाड़ में 3 डैम बनाना है, और ये शुरुआत खुद मुझे करना है। तो ये सब कुछ उस वक्त पॉसिबल है जब आप खुद खुद इंकलाब पैदा करें। एक इंसान कुर्सी पे बैठा है, देर तक कुर्सी पे बैठा अपने आप को देख रहा है, जैसे ये देखिए ये बेवकूफ देख रहा है, ये गधा देख रहा है, वो देखते ही चले जा रहा है अपने आप को। अब खुश हो रहा है, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, सूट बहुत अच्छा पहना, पैंट बहुत अच्छा पहना, बट वाई दिस पर्सनैलिटी, न सियासी पोस्ट है, न समाजी पोस्ट है, ना ही कुछ लोगों के लिए अच्छा किया है। तो ऐसा जीना भी क्या फायदे का, अगर उसको पॉलिटिकल पोस्ट मिल गई है, दुनिया का पोस्ट है, जाहिर का पोस्ट है, बातिन का पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है, तो इट्स कैन क्रिएट द ऑल लाइफ ऑफ गुड। मीन्स वो एक ऐसी अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकता है जो कि सबसे अच्छी हो, और उस जिंदगी की शुरुआत में उसे सब खुशी ही मिलेगी, ऐसी खुशी क्योंकि उसे जिंदगी का सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान बनाएगी। देन मेरे मोटिवेशन का पर्पस है, जो हो सके तो खुद इंकलाब पैदा कर। मैं सियासी तौर पे बहुत अच्छा इंसान हूँ, आई कैन डू दिस। अरे यार, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है ना, हमेशा जब भी मेरा नाम आता है तो कहता है यार कि वो बंदा सही पॉलिटिक्स नहीं करता है और उसे बदल देना चाहिए। क्यों कहता है साहब, मेरे में ऐसी क्या कमी है? तो मैं पॉलिटिशियंस होने के नाते उन कमियों को दूर करूंगा। आई कैन इजीली रिमूव द माई सम नॉट न्यूट्रिशंस, जो न्यूट्रिशंस नहीं है पॉलिटिक्स में, उसको मैं निकाल दूंगा और कुछ अच्छा करूंगा। अब अच्छा करने में क्या क्या अच्छा है, सबसे पहले तो मैं खुद अपना पॉलिटिकल दिमाग रखूंगा। मैं लकीर का फकीर नहीं बनूंगा कि मेरे ऊपर जो मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर के ऊपर, प्राइमरी के जो कंट्री मिनिस्टर है या उसके ऊपर की स्टेट्स में जो ऑर्डर्स आए हैं मैं उनको फॉलो करूंगा। नहीं, मैं खुद अच्छा करूंगा, मैं नए डैम्स बनाऊंगा, मैं नए रास्ते बनाऊंगा, मैं नए ग्राम विकास बनाऊंगा, मैं बस स्टॉप छोटे छोटे देहातों के अंदर ले जाऊंगा और इंसानों की वहां पे खिदमत करूंगा। मैं बिल्डिंगों से ज्यादा इंसानों के घर बनाने पे तवज्जो दूंगा जिनके नहीं बने, नए कंस्ट्रक्शन को अलाउड नहीं करूंगा, और जो लोगों के पुराने घर है उन झोपड़पट्टियों को बेहतरीन बनाऊंगा। आप खुद कर सकते हैं एक बेहतरीन इंकलाब पैदा करने वाला लीडर बन सकती हैं आप। यस आई कैन डू, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास सौदा है, मैं चाहे तो हुक्म दे सकता हूँ। तो इसी हुक्म को और जिंदा करें, आप कर सकते हैं। जब आप कुर्सी पर बैठे बैठे आप साइन कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठे बैठे आप ऑर्डर दे सकते हैं, बिकॉज यू कैन क्रिएट योर माइंड। जब तक कि आपके अंदर इंकलाब पैदा होता है, इंकलाब की सबसे बेसिकली पावर होती है क्रिएट योर माइंड, तख्लीकी जहन, कुछ नया और अच्छा करने की ताकत। लेकिन वो कुछ नया और अच्छा अजीब नहीं हो, बल्कि इंसानों के लिए बेहतर हो। क्या हो? बेहतर हो। रात में 10 बजे
गांव में शादी का हंगामा हो रहा था। आप ट्रेक पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वालों को साथ में लेकर गए, सब बैंड बज बंद बंद। उसने कहा मेरे घर शादी है, चिल्ला। बोले बाजू के लोग डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा गांव सुकून से सो रहा है, रात का आवाज गांव के बाहर तक चला जा रहा है। इसे कहते हैं इंकलाब, कि आप तखलीकी माइंड है। अच्छे, फिर रात में अगले दिन सब सुकून से सो रहे हैं। उसने भी अपनी गलती को फरामोश किया और आवाज कम कर दिया, साउंड का साउंड पॉल्यूशन नहीं किया। इसे कहते हैं क्रिएटिव माइंड। इसे पैदा कीजिए। आज के लिए इतना ही। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज। दिन बखैर, शब बखैर।